गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं गणित का चैप्टर जिसका नाम है विस्तारित रूप। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, कैसे है? मान लो हमारे पास एक संख्या है जिसका नाम है 57। ठीक है, 57। हमें इसका विस्तारित रूप निकालना है। अगर हम यहां देखें, यहां इकाई में क्या अंक है हमारे पास? इकाई में हमारे पास 7 अंक है और दहाई में कितना है? दहाई में हमारे पास 5 है। इसका मतलब क्या है कि इकाई के अंदर सिर्फ हमारे पास 7 है और दहाई का मतलब आपको पता होता है, दहाई का मतलब होता है 10 इकाइयां। यानी कि इसके अंदर 5 जो है इसका मतलब क्या है, हमारे पास 5 के अंदर 10 इकाइयां है। मींस 5 को हम 10 बार लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास दहाई में कितना है? 50। तो हम इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, हमारे पास संख्या है 57। अगर हम इसकी बात करें, इकाई में हमारे पास है 7 और दहाई में है 5। तो हम कैसे लिखेंगे, 5 दहाई जमा 7, 5 दहाई जमा 7 इकाई। अब हम इसको और विस्तारित कर देते हैं, कैसे? 5 दहाई का मतलब अभी हमने क्या बता रहा, 5 × 10 जमा 7 × इकाई का मतलब 1, 7 × 1। तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और 5 × 10 कितना होता है? 50 जमा 7 × 1 कितना होता है? 7। तो हमारे पास जो ये रूप निकल के आया है 50 जमा 7, ये इसका विस्तारित रूप है। किस चीज का? 57 का। क्लियर है? एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। हमारे पास संख्या है 123। ठीक है, 3 अंकों की संख्या है ये। इसमें हम इकाई का अंक है हमारा 3, दहाई का अंक है हमारा 2 और सैकड़े का अंक है हमारा 1। ठीक है, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10 चीजें हो और सैकड़े का मतलब होता है कि 100 चीजों का एक ग्रुप। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर देखें, इसका विस्तारित रूप अगर हम करें तो हमारे पास सैकड़े कितने हैं? 1 सैकड़ा है, जमा 2 दहाई है, जमा 3 इकाई है। ठीक है, हमारे पास 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 3 इकाई है। अब हम इसको और विस्तार कर देते हैं इसका। 1 सैकड़ा मतलब 100, तो 1 × 100 जमा 2 दहाई, 2 दहाई मतलब 2 × 10 जमा में 3 इकाई, 3 इकाई मतलब 3 × 1। क्लियर है यहां तक? आगे हम इसको करते हैं, 1 × 100 कितना आएगा हमारे पास आंसर? 100 जमा 2 × 10 कितना आता है? 20। उसके बाद 3 × 1 क्या आएगा? 3। तो हमारे पास क्या संख्या आई? 100 जमा 20 जमा 3, ये 123 का विस्तारित रूप है। 100 जमा 20 120 और जमा 3 123। तो हम 123 को इसको विस्तारित रूप में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आप 4 अंकों की संख्याओं का विस्तारित रूप लिखें और हमारे WhatsApp नंबर पर सेंड करें। ठीक है, ये है
चार अंकों की संख्या, इकाई में आठ है, दहाई में सात है, सैकड़े में छह है और हजार में पांच है। तो आप इसको विस्तारित रूप में लिखिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।